सोलन का शांति बायपास जो महज 5 किलोमीटर का है, जिसका नीम पत्थर सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने 2012 में रखा था, आज करीबन इस बात को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बायपास का काम सिरे नहीं चढ़ा है। अभी इस निर्माण कार्य में और कितनी देर लगेगी, अभी इस बारे में नेता हो या अधिकारी ठीक से अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। सोलन का शांति बाईपास जो महज 5 किलोमीटर का है, जिसका नींव पत्थर सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने 2012 में रखा था, करीबन इस बात को 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बाईपास का काम सिरे नहीं चढ़ा है। अभी इस निर्माण कार्य में और कितनी देर लगेगी, इसके बारे में नेता हो या अधिकारी ठीक से अनुमान भी नहीं लगा पा रहे हैं। महज 5 किलोमीटर की सड़क 2 विधानसभा चुनावों का मुद्दा बन चुकी है। अभी और कितने चुनाव इस सड़क को लेकर लड़े जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सोलन की भोली भाली जनता जो ट्रैफिक जाम की समस्या से लगातार जूझ रही है और आस लगाए बैठी है कि कभी तो प्रदेश सरकार नेताओं और अधिकारियों का दिल पसीजेगा और उन्हें बाईपास का तोहफा मिलेगा। अधिक जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंदर कुमार ने बताया कि उनका विभाग शांति बाईपास को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास कर रहा है और इसके विभिन्न क्षेत्रों में जहां जमीन उपलब्ध है वहां कार्य किया जा रहा है। छोटे छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगह पर पेड़ काटे जाने थे, उनकी अनुमति आ चुकी है और टेंडर भी लग चुके हैं। जल्द पेड़ों को काट दिया जाएगा और वहां पे निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 2 जगह पर जमीनी विवाद चला हुआ था, लेकिन अब वह सुलझ चुका है, उन्हें मुआवजा दिया जाना है। इसके लिए प्रदेश सरकार से धन मांगा गया है। जब तक धन उपलब्ध नहीं होगा तब तक वहां कार्य आरंभ नहीं हो पाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगर सभी अड़चने दूर हो जाते हैं तो करीबन जून माह तक ये बाईपास बनकर तैयार हो जाएगा। जहां तक शांति बाईपास का प्रश्न है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर जहां जहां साइट्स अवेलेबल है वहां काम कर रहा है और इसकी जून महीने तक पूरा होने की संभावना है। अभी इसमें कुछ हिस्से में फैलिंग होनी है पेड़ों की, जिसकी परमिशन गवर्नमेंट से आ गई थी और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने इसके टेंडर कर दिए हैं। तो अभी उनसे बात हुई थी मेरी, तो 2 दिन पहले उन्होंने बताया था कि इस महीने के एंड तक वो फैलिंग शुरू कर देंगे, तो इस तरह उसके बाद हमारी साइट क्लियर हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ काम रुका हुआ है वहाँ भी लेबर और मशीनरी डिप्लॉय हो जाएगी और प्रयास इसके जून महीने के आखिर तक करने के जारी हैं। हाल ही में ब्रिज का काम भी इसमें चला है, ब्रिज वाले कॉन्ट्रैक्टर ने भी काम शुरू कर दिया है और अभी उसने एक साइड की अपार्टमेंट खोद दी हुई है। ये पिछले कल तक की प्रोग्रेस है। जहाँ तक समय लगने की बात है कि इसमें 2 बातें देखने की हैं कि एक तो काम अवार्ड हुआ, दूसरी तरफ लैंड एक्विजिशन इसमें करनी पड़ी। फर्स्ट क्लियरेंस तो चलो होगी, 2015-16 में हुई थी, अवार्ड से इसमें हो गई थी, लेकिन प्राइवेट लैंड एक्विजिशन भी करनी पड़ी। अभी भी 2 पॉइंट्स पे कंपनसेशन देने को है जिसके लिए फंड्स मांगे गए हैं।